पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने के बाद अपना परिचय दिया, उसमें बहुत मार्मिक तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया कि इस किताब जो मैं लिख रहा हूं इसमें मेरा क्या है, किसका क्या है। उन्होंने लिखा खुद का परिचय देते हुए कि मैं आत्म अरे पुद्गल खंड मिलके भयो परस पर बंद। मैं तो एक आत्मा था और ये पुद्गल का स्कंद है, परमाणुओं का ढेर सारे, और इनका एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया, ख्याल में है ना। तो माते गर्भ में सुपर्याय, वो पर्याय थी ना आसमान जाति, उपजो मानुष नाम कहाय, और मैं उत्पन्न हुआ तो लोगों ने मुझे मनुष्य कहा, नाम मेरा मनुष्य रख दिया। मैं मनुष्य नहीं था, मैं तो आत्मा था। अपना एक कहावत है कि भैया तुमने अपने माँ बाप का नाम मत धराना, बोलते क्या नहीं बोलते, नाम धराना का मतलब समझते ना, बदनामी करना। और एक भजन आता है, परे घर भ्रमत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए हम तो कबहुं न निज घर आए। क्या मतलब है, पर घर में दूसरे के घर जाएंगे तो वो नाम धरे बिना रहेगा नहीं, नाम धरे बिना रहेगा नहीं माने एक नया नाम रख देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा एक मरीज आया है, वकील पूछेगा मुंशी से कौन आया तो कहेंगे एक क्लाइंट आया है। तो हमारे असली नाम से बोलते ही नहीं है, क्यों। पंडित से पूछेंगे कौन है, एक श्रोता आया है। दुकान पे जाएंगे तो वो कहे ग्राहक आया है। जिसके दरवाजे पे जाएंगे वो तुम्हारे नाम को इज्जत नहीं देगा, वो अपनी तरफ से एक नया नाम रख लेगा, इसका नाम अनंत नाम धराए। तो कहते मेरा नाम मनुष्य रख दिया। और फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए घर में, तो उन लोगों ने मिल मिला करके मैं नाम एक नया नाम और रख दिया, उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल कहें सब कोई, क्या अब कहते इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरी कोई गलती ही नहीं है, क्यों। ये टोडरमल ने, मैं टोडरमल हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो उन लोगों ने जब मैं तो रो रहा था तब मेरा नाम मिल मिला करके, नाम मिल लिखो तब हर सित हो, टोडर मल्ल कहें सब को। अब कहते हैं कि एक ग्रंथ लिखा तो ये कैसे हुआ, तो वो लिखते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलो, और लिखने पढ़नो तनु को भिलो, कागज मची अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये बहुत साजे का काम है। मेरा तो इसमें ज्ञान लगा और राग लगा, माने मुझको ये ग्रंथ लिखने का विकल्प आया, ये बात सच्ची है, और मेरा ज्ञान का उपयोग भी इसमें लगा, दो चीजें लगी हैं मेरी, ज्ञान राग तो मेरो लगो, और करनो धरनो ऐसी कलम उठाई ऐसी लिखी, ये तनु को भिलो, ये शरीर का काम है। और कागज मसी, कागज पर मसी माने स्याही नहीं, अक्षरों के आकार में फैलती गई, और उस स्याही ने एक शास्त्र लिख दिया। क्यों, ये स्याही को क्यों लिख दिया, क्योंकि ये अक्षरों रूप स्याही परिणमित हुई है, उपादान स्याही है, जो परिणमित हो ना वो करता है ना, मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो मिट्टी का घड़े मिट्टी का करता है, ये उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि यदि ऐसी बात है तो फिर इसमें बात जो लिखी वो प्रमाणिक कैसे, उसको कैसे हम सच्ची माने। तो उन्होंने बताया कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से लेकर के
तो आज तक की परंपरा चली आई ये उसके अनुसार मेरे को लिखने का विकल्प आया और मुझे उपयोग में वो बात थी, इसलिए इसमें ये प्रमाणिकता का आधार है।